जैसे आपने बोला कि अलग अलग उत्सव होते हैं, है ना, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। ये सबसे इम्पोर्टेंट उत्सव वैदिक उत्सव है। ये साल का पूजा कम होएगा ना, अभी अर्जेंट में हम लोग का पूजा करते हैं, कोई ना कोई में पूजा छोड़ देते हैं, ये पूजा पवित्र उत्सव में ही होता है। तो आपका नाम बताएंगे और आप कहाँ से है वो बता दें। मैं कुंभकोणम शारंगाबाणी टेम्पल से आया है। मेरा नाम यस पट्टाभिराम पट्टाचार्य है। मैं पहले इधर 21 साल काम किया है। ये बालाजी मंदिर कभी शुरू हुआ 97 में, तब मैं यहाँ पर पंडित जी है इधर कृष्णवाटी का मंदिर में, कृष्णवाटी का टेम्पल में मैं पंडित जी है 21 साल का बालाजी मंदिर में। अभी छोड़ के गया, हमारा को मंदिर है, कुछ का मंदिर है, शारंगाबाणी टेम्पल चार मंदिर है चेन्नई में कुंभकोणम उधर, इसके वजह से मैं चले गया। अभी फंक्शन के लिए मैं आ रहा है इधर। तो आपके साथ और कितने पंडित जी आए? हमारा साथ में कुंभकोणम से 15 पंडित जी आया है उत्सव के लिए। हाँ, उत्सव के लिए 15 पंडित जी आया है। तो उनका क्या मतलब, क्या उनका ऋग्वेद के लिए आता है, यजुर्वेद के लिए आता है, सामवेद के लिए आते है और प्रबंध पारायण के लिए आता है, सब मिलके 15 पंडित जी है। तो ये सारे वेदास सब वेदम ऋग्वेदम यजुर्वेदम सामवेदम सब। लेकिन ये पता था कि यहाँ के एक उत्सव है, लेकिन एग्जैक्टली मालूम नहीं होता है कि क्या उत्सव है क्या नहीं है। ये पवित्र उत्सव होता है, ये आम आदमी को ये नहीं मालूम होता है ना। तो आपने तो अभी बताया पवित्र उत्सव और पवित्र उत्सव होता है, ब्रह्म उत्सव होता है, दीप उत्सव होते है, सब उत्सव होते है। ये विशेष उत्सव है, सबसे वैदिक उत्सव है ये। सब साथ में एक दिन को 90 पूजा होता है। अच्छा, 60 पूजा होता है त्रिवाराधना, वो 7 दिन का पवित्र उत्सव होता है, ये 3 दिन का पवित्र उत्सव होता है। आगम में है, पंचरात्र आगम में है, ऐसा होता है ये। जैसे शुरू के दिन में वो होमा था, वो पवित्र वो 180 कलश अभिषेक है, 80 और कलश का अभिषेक है। ये सब भूमि का पूजा है, विश्वक्षेत्र का पूजा है, पवित्र प्रतिष्ठा है, सब पूजा का हवन करता है। हाँ, वो हमने देखा क्योंकि कुंभ प्रोक्षण था। हाँ, फिर कुंभ प्रोक्षण है, लास्ट दिन होता है, महापूर्णादि होने के बाद कुंभ प्रोक्षण होता है। और ये जो कल्याण हुआ था तिरुपति भगवान का, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। ये कल्याण उत्सव सबसे पहले तिरुपति बालाजी कल्याण उत्सव का विशेष है, श्रीनिवास कल्याण उत्सव बोलते हैं, पद्मादि का और बालाजी का। ये रोज कल्याण उत्सव होता है तिरुपति में। अच्छा, ऐसा नियम है। लेकिन हम लोग का है ना, साल को एक टाइम करता है ये, यहाँ पर कोई भी मंदिर में, यहाँ पर अभी पनसवाड़ी में रोज होता है, डोंबेली बालाजी मंदिर में रोज होता है, नरुल बालाजी मंदिर में रोज होता है। तो क्या क्या था उसमें? उसमें पहले पुण्यावचन होता है, विश्वक्षेत्र पूजा होता है और रक्षाबंधन होता है, पाणिग्रहम होता है, उसके बाद त्रिमंगल धारणम होता है, उसके बाद वारण मारणम होता है, उसके बाद आशीर्वाद होता है। ये प्रोग्राम है, ये 25 तारीख से शुरू हुआ था प्रोग्राम। तो ऐसे और भी मंदिर में सेम टाइम पे हो रहा है ना? ऐसा नहीं है, एक एक मंदिर में एक एक टाइम होता है। लेकिन कटक मास से कार्तिक मास तक हम लोग का, कटक मास से कार्तिक मास तक ये पवित्र उत्सव का नियम है। उसके बाद नहीं करने का, मार्गशीर्ष मास चालू होगा तो ये पवित्र उत्सव नहीं करने का है, आगम में है। ना वेंकटेशम ननादो ननादः सदा वेंकटेशम स्मरामि स्मरामि, अरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेंकटेश प्रियश्च प्रियश्च, जय श्रीमन्नारायण।